हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर है क्रिएट बॉक्स। क्रिएट बॉक्स ये ऑप्शन सबसे पहले हमारा मेल मर्ज में स्टार्ट होता है, जिसमें हम यूज करते हैं क्रिएट बॉक्स का। क्रिएट बॉक्स में दो मेजर ऑप्शन होते हैं, एनवेलप्स एंड लेबल्स। इसलिए अगर आपको एनवेलप क्रिएट करना है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं। लेबल्स क्रिएट करना है तो आप लेबल्स का यूज करते हैं। विनवर्ड पे और अच्छे से समझ लेते हैं इनको। पेज चाहिए तो ऑल्ट एम, यहाँ पे हमें एनवेलप बनाना है, ऑल्ट एम ई कर दिया। तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस, मतलब जहाँ पे आपको मेल करना है, जो लेने वाला है मेरे लेटर को उसका एड्रेस। ओके, इसके बाद आपको करना है ऐड टू डॉक्यूमेंट। यस, तो आप देख सकते हो ये मेरे एनवेलप का पेज डिजाइन हो गया। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेबल्स। लेबल्स बनाने हैं, ऑल्ट एम एल। तो यहाँ पे जैसे मुझे लेबल का पेज बनाना है तो नेम, या आप ऐसे स्पार्क कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, तो ये न्यू डॉक्यूमेंट में चाहिए आपको ये लेबल जो है। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। बेसिकली आप इसमें कुछ भी डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो यूज होता है वो लेबलिंग करने के लिए होता है ना। आपको कहीं पर किसी प्रोडक्ट में लेबलिंग करनी है अपनी, तो उस तरीके से आप पेज डिजाइन करोगे और उसको प्रिंट निकालोगे। तो ये हमारा मेल में यूज होता है क्रिएट बॉक्स। तो यहाँ तक के लिए बॉक्स फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा मेल मर्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।